हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है एके स्पोर्ट पब्लिक। दोस्तों, तो एवेंजर सीरीज में जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो है ऐसे पांच रीजंस जिनके जिनसे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आयरन मैन की एवेंजर की जो इन्फिनिटी मूवी है जो अप्रैल महीने में आने वाली है उसमें उनकी डेथ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो एवेंजर की जो ट्रेलर 2 है उसके रिएक्शन और उसका जो ब्रेकडाउन किया उसी के साथ मैंने 10 ईस्टर्स बताया है उसमें, आप वो जाके देख सकते हैं। और उसका जो बटन आई बटन है मैं ऊपर में दे दूंगा, आप उधर से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो के जो एंड है उसमें एनोटेशन दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो हम तकरीबन छोटा बनाएंगे, काफ़ी बड़ा नहीं करेंगे इसको। तो आप वीडियो के एंड में एनोटेशन पे भी क्लिक करके सीधा उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो इसके राइटर है या जिन्होंने इसका स्क्रीन पे लिखा है स्टेफी फेगी। जी हाँ दोस्तों, स्टेफन फेगी, और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि एक मेजर कैरेक्टर की इस मूवी में डेथ होने वाली है। तो ऑफकोर्स आयरन मैन से बड़ा कैरेक्टर इस मूवी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख लीजिए कि आयरन मैन की वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो मार्वल्स के कॉमिक है वो लोगों ने पसंद करना तब शुरू किया था जब आयरन मैन इसमें आया था। तो आयरन मैन की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी है मार्वल सीरीज की और एवेंजर सीरीज की। और ऑफकोर्स आयरन मैन एक काफ़ी क्रूशल पार्ट है बाकी मेम्बर्स के मुकाबले इस मूवी में। तो अगर हम लोग पहला रीज़न इसका देखें तो जो मूवीज जितनी भी एवेंजर मूवीज या आयरन मैन की मार्वल्स की जितनी मूवी में आयरन मैन आए तो उसमें उनका सेक्रीफाइसिंग नेचर दिखाया एक टाइप से। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा हम लोग एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देख चुके हैं, जब उनकी जब वांडा से उनकी लड़ाई हो रही थी तो तब आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ने एक हम लोग कह सकते कि एक ब्लैक फियर फील किया था कि उनके दोस्त जब उनके सामने मर रहे थे। तो ऑफकोर्स उसके बाद से तो मुझे नहीं लगता कि आयरन मैन किसी भी अपने फ्रेंड्स को मरने देगा। तो वो एक सेक्रीफाइसिंग नेचर हो सकता है इस मूवी में, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जो डार्केस्ट फियर था वो उसको सच नहीं होने देंगे इस मूवी में, और वो उनका जो सेक्रीफाइसिंग नेचर है वो इसका पहला पॉइंट हो सकता है। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो मैट टाइटन थैनोस, जी हाँ दोस्तों, जो इस मूवी में विलन है, वो एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि वो हीरोज से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और ऑफकोर्स ये थैनोस का ये डायलॉग रहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग तुम्हें याद रखेंगे। तो मतलब ऑफकोर्स उनकी जब बाकी सुपर हीरोज से लड़ाई हो रही होती है तो ट्रेलर में हमको दिखता है कि आयरन मैन भी उसी जगह पे है जहाँ पे थैनोस अपने दो आर्मर में जो दो स्टोन है उसके साथ में हीरोज से लड़ रहा है, उनको मार रहा है, और सब बाकी सारे हीरोज भी काफ़ी घबराए हुए दिखते हैं, और साथ में टोनी स्टार्क भी, एक सीन है वैसा ट्रेलर में आपको दिख रहा होगा। और उसी के साथ में ऑफकोर्स वो दो स्टोन की पावर्स काफ़ी पावरफुल है बाकी हीरोज के मुकाबले, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अब जब वो बाकी हीरोज पे हमला करता है ऑफकोर्स टोनी स्टार्क उनको बचाने जाएगा, और हो सकता है कि उसी की वजह से उनकी डेथ हो जाए। तो एक रिलेशन है टोनी स्टार्क का काफ़ी बड़ा इन हीरोज के साथ में, जिसको शुरू से एवेंजर सीरीज में दिखाया जा चुका है। और अगर आपने जो स्पाइडरमैन की जो नई मूवी थी स्पाइडरमैन होमकमिंग उसमें भी खासकर जो स्पाइडरमैन है उसके साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन है टोनी स्टार्क के। और हमने देखा है स्पाइडर होम कमिंग में कि एक टिपिकल सा फादर सन रिलेशन दिखाया गया है स्पाइडरमैन और टोनी स्टार्क के बीच में, तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है। और अगर हम लोग तीसरे रीज़न की बात करें तो टोनी स्टार्क की जो डेथ है वो एक एपिक मोमेंट हो सकती है, क्योंकि इस मूवी को एक एपिक मोमेंट चाहिए, और वो एपिक मोमेंट शायद टोनी स्टार्क की डेथ हो सकती है, उससे बड़ा एपिक मोमेंट होगा नहीं शायद तक इस पूरे मूवी में। और ऑफ कोर्स इसके बाद में अगर हम लोग चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो रॉबर्ट डाउनी है, यानी कि मैं उनके ओरिजिनल लीडर की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल कैरेक्टर की जो रॉबर्ट डाउनी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अब फिलहाल में एक न्यूज़पेपर में
वो आयरन मैन का जो कैरेक्टर वो उसको करते करते थक चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि मार्वल सीरीज से जुड़े रहे, लेकिन ऐसा फ्रंट नहीं, ऐसा बैक में। जी हाँ, मतलब पर्दे के पीछे से वो मार्वल को सपोर्ट करेंगे, मार्वल से जुड़े रहेंगे, लेकिन अब वो आयरन मैन के जो उनका जो कैरेक्टर आयरन मैन का उससे उड़ चुके हैं। और ये शायद एक चौथा पॉइंट हो सकता है। और अगर हम लोग पांचवें पॉइंट की बात करें, तो अभी हाल फिलहाल में एक आर्ट रिलीज हुआ था, और उसमें जो स्टोन्स है, सोल स्टोन्स है, अलग अलग स्टोन्स है, उससे हीरोज को रिलेट किया गया था कि ये स्टोन किसके रिलेट में आता है या फिर किसके पास हो सकता है, और सोल स्टोन को एक्चुअली आयरन मैन से रिलेट किया गया। तो ऐसा हो सकता है कि थैनोस सोल स्टोन के वजह से आयरन मैन के पीछे पड़ जाए, और आयरन मैन के पीछे पड़ने के बाद आयरन मैन की डेथ हो सकती है थैनोस के हाथों सोल स्टोन के लिए। और एक रूमर ये भी था कि जो रॉबर्ट डाउनी है, जी हाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर उनका पूरा नाम है, तो जो आयरन मैन का कैरेक्टर निभाते, उनका कॉन्ट्रैक्ट मार्वल की सीरीज से खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मार्वल से खत्म हो चुका है, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो इसलिए इसलिए उनकी इस मूवी में डेथ हो सकती है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर एवेंजर 4 के जो अगर वीडियोस देखेंगे इंटरनेट पे या कहीं पे भी, तो आपको दिखाई देगा कि रॉबर्ट डाउनी वहां पे शूटिंग कर रहे हैं, एवेंजर 4 की शूटिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मई में 2019 में आएंगी, तो ऑफ कोर्स वो अगले एवेंजर में रहेंगे। और मैंने आपको पिछले जो वीडियो है उसमें बताया था कि आयरन मैन को भी जिंदा करने के लिए काफी सारी ट्रिक्स है अभी भी, जैसे कि मैंने टाइम स्टोन के बारे में बताया था या फिर स्टैनली के बारे में बताया था। तो काफी सारी चीजें हैं जिससे आयरन मैन को वापस लाया जा सकता है, लेकिन ये मूवी में उनका जो एंड है वो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आयरन मैन का इस मूवी में एंड हो सकता है, वो भी रियल में मर जाएंगे। और ऑफकोर्स एवेंजर 4 में वो शूटिंग करते हुए दिखाई दिए, तो एवेंजर 4 में शायद ऐसा हो सकता है कि उनको किसी तरीके से मूवी में वापस लाया जाए। और फैंस की डिमांड भी रहेगी कि एवेंजर 4 में भी टोनी स्टार्क दिखे, भले ही इस मूवी में उनकी एंड हो जाए। इस मूवी में अगर उनकी एंड होती है तो काफी बड़ा एपिक मोमेंट होगा, उनसे बड़ा मार्वल सीरीज में कोई हीरो नहीं है मेरे हिसाब से, आयरन मैन काफी बड़ा है। और अगर हम लोग बात करें कि बाकी चीजों के बारे में, तो काफी सारी चीजें हैं आयरन मैन के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा, क्योंकि काफी बड़ा बन जाएगा वीडियो। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं और वीडियो एवेंजर्स से रिलेटेड लाता रहूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि साथ में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्कारलेट, विजन, स्पाइडरमैन और टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर, इन सबके इसमें क्या क्या रोल्स है। जी हाँ दोस्तों, उसका एक छोटा छोटा ऐसा ही करके एक वीडियो मैं लेके आऊंगा। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल, जिसका नाम है एक जस्ट फॉर पब्लिक, बने रहिए मेरे साथ। एंड टिल देन।